तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर दो कपल जिनकी पूरी थिंकिंग एकदम ही अलग है, जिनके बीच भर भर के झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कपल ढंग से अक्कुम बक्कुम नहीं करते। एक को चाहिए एक्सट्रीम तो एक को चाहिए सॉफ्ट, एक को चाहिए कपड़े उतारने वाला और एक को चाहिए कपड़े फाड़ने वाला। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये दो कपल दिखाए जाते हैं। इन भाई साहब का नाम होता है साहू, इनकी बीवी का नाम होता है पल्लवी। इन भाई साहब का नाम होता है अभय, इनकी बीवी का नाम होता है निक्की। इन दोनों ही कपल के बीच प्रॉब्लम चल रही है और ये आए हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि इनकी हाल ही में ही शादी हुई है और ये लोग अभी से ही एक दूसरे से खुश नहीं है। पहले हम जानते हैं निक्की और अभय की स्टोरी। तो देखो, जो निक्की है वो है भाई साहब एकदम एक्सट्रीम लेवल की पूरी भरी पड़ी लड़की, यानी कि उसको चाहिए एकदम ताबड़तोड़ अक्कम बक्कम, यानी कि पलंग टूट जाए, धरती हिल जाए, बिजली गिर जाए, पर अक्कुम बक्कुम नहीं रुकना चाहिए। और उसका जो पति है यानी कि अभय, वो एकदम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, केयर करने वाला, रोमांस करके अक्कुम अक्कुम करने वाला, अपने काम पर ध्यान देने वाला ऐसा बंदा, यानी कि अभय सीधा है। और इसलिए निक्की जब भी अभय के अंदर के जानवर को जगाती, अभय को निक्की की ये सब हरकतें समझ में नहीं आती कि ये मुझे बांध के क्यों कर रही है, ये मुझे टेबल में क्यों पटक रही है। मतलब समझ रहे हो, अभय अक्कुम अक्कुम के मामले में नूब था। अब बारी करते हैं हमारे दूसरे कपल की, साहू और पल्लवी की। साहू बहुत ज्यादा रोमांटिक है, पल्लवी भी है, पर पल्लवी चाहती है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसकी केयर करे, पल्लवी को गाना गाना पसंद है वो उसकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि साहू उसके काम की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको लगता है कि उसका काम ही बड़ा है, वो जो कर रहा है वो सही है। पर ऐसा नहीं है कि वो पल्लवी से प्यार नहीं करता, वो भर भर के पल्लवी से प्यार करता है और वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक फील करता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी हस्बैंड रोमांटिक फील करेगा तो वो अपनी बीवी के पास ही तो आएगा, पर पल्लवी को पता नहीं क्यों इतना अजीब लगता है कि यार मुझको ऐसे मत छू, मेरे साथ ऐसा मत कर, मेरे साथ वैसा मत कर, कि पल्लवी के लिए कुछ नियम कायदे हैं अक्कुम अक्कुम करने के। और जब साहू मूड में होता है तो पल्लवी उसको हमेशा दूर कर देती है और इस बात से साहू को बहुत ही ज्यादा चिढ़ मचती है कि यार तू मेरी ही बीवी तो है, तेरे साथ नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। तो ये डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, चिंता मत करो, पर मैं अभी एक ट्रिप में जा रही हूँ 10 दिन के लिए, उसके बाद से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तुम लोगों के, जब तो तुम चाहो तो कहीं घूम के आ जाओ, क्या पता तुम लोगों का वैसे ही मैटर सॉल्व हो जाए। तो अब बात कुछ ऐसी है कि ये दोनों ही कपल एक दूसरे को नहीं जानते, ना ही ये लोग आज तक कभी मिले हैं, पर जो साहू की फ्रेंड और जो निक्की की फ्रेंड है वो एक ही है। वो इनको बुलाती है गोवा एक बैचलर पार्टी में। अब ये दोनों ही कपल अपनी अपनी कार से निकल जाते हैं गोवा की तरफ और साहू और पल्लवी के बीच इतना भयंकर झगड़ा हो जाता है कि जब इनको भूख लगती है तो साहू अलग टेबल पे खाता है और जो पल्लवी है वो अलग टेबल पर खाती है। तभी यहाँ पर आता है अभय निक्की के साथ। दरअसल निक्की को हो रही थी उल्टियां और वो यहाँ पर पानी लेकर आता है। अब जब वो यहाँ पर पानी लेकर आ रहा था तब उसको यहाँ पर एक रिंग मिलती है, ये रिंग होती है पल्लवी की। अभय पल्लवी को रास्ते में रोकता है और उससे कहता है कि ये क्या आपकी रिंग है। तो पल्लवी मैडम जी यहाँ पर अभय पर चटक जाती है कि हाँ है मेरी अंगूठी, वापस दे, क्योंकि उसका मूड पहले खराब था साहू की वजह से। और अभय सोचता है कैसी लड़की है यार, मैंने तो उससे कुछ बोला ही नहीं। तो अब ये लोग आ जाते हैं गोवा और अपने अपने रूम में स्टे करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निक्की और अभय नीचे आ गए थे। दरअसल निक्की को करना था स्विम और अभय को लग रही थी भूख। तो निक्की कहती है पहले स्विम कर लेते हैं फिर तू खा लेना, पर अभय कहता है नहीं मुझे भूख लग रही है। तो निक्की कहती है ठीक है तू जा चा मुदा, मैं अकेले ही कर लेती हूँ। और इसी पूल में होता है साहू जो कि अपनी बीवी यानी कि पल्लवी को मना रहा होता है कि मैडम जी पूल में उतर जाओ, थोड़ा एंजॉय कर लो, काहे के लिए इतना गर्मा गर्मी कर रही हो। तो पल्लवी कहती है कि ऐसा है मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ कुछ खाने। अब रात में डिनर होता है और यहाँ पर सभी लोग थे, निक्की और साहू के सभी जानने वाले। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और जैसे ही निक्की इस लड़के को देखती है, निक्की को पता नहीं क्या हो जाता है, कहती है सिड तुम यहाँ पे, क्योंकि सिड था निक्की का एक्स बॉयफ्रेंड। और निक्की को लगता है अभय एक नंबर का चोमू चमन लंडूरा, क्योंकि वो उसको छूता ही नहीं है, उसके साथ रोमांटिक ही नहीं होता है, अक्कुम अक्कुम का प्रोग्राम ही नहीं करता है। और वो सोच रही थी कि अभी इस समय शायद वो सिड के साथ खुश रह सके यहाँ पर। पर सिड यहाँ पर बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो जल्दी शादी करने वाला है। और ये बात सुनकर निक्की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि अब तो साला अकाल पड़ चुका है लड़कों का मेरी जिंदगी में। और वो इस चीज का गुस्सा निकालती है अभय के ऊपर और अभय भी लाइक मैंने क्या किया। तभी यहाँ पर निक्की की फ्रेंड आती है, यही वो लड़की है जिसने बैचलर पार्टी दी है, इसको हम बुलाएंगे राधिका। तो राधिका यहाँ पर निक्की से कहती है कि निक्की मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया ताकि तू इंजॉय कर सके, है ना, खुश रह सके, तू क्यों यहाँ पर कलेश मचा रही है, इंजॉय करना। तभी यहाँ पर निक्की और राधिका को देखता है साहू। दरअसल साहू ने पहले ही निक्की को देख लिया था पूल में। पूल में निक्की बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी और साहू का मन डोल गया था उसको पहले ही नजर में देख के। वो सीन मैंने तुमको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो सीन बहुत ही ज्यादा
तो साहू यहाँ पर राधिका का सहारा लेकर निक्की से बातचीत बढ़ाता है। अब निक्की भी अकेली, साहू भी अकेला, वो भी अपने पार्टनर से परेशान, ये भी अपने पार्टनर से परेशान। इन दोनों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से पटती है। ये लोग खूब मदिरा पान करते हैं, इंजॉय करते हैं, जोक्स पर हंसते हैं, और जो इनके पार्टनर है वो बेचारे इनका इंतजार कर रहे हैं कि अब ये आएगा या अब ये आएगी, पर घंटा कोई नहीं आता क्योंकि साहू और निक्की होते हैं साहू की कार के अंदर। और यहाँ पर ये दोनों कर रहे होते हैं फूफो, बाबा जी की बोटी। अब पल्लवी आती है अभय के पास और अभय से कहती है कि सॉरी, मैं उस दिन तुम पर गुस्सा हो गई थी, मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब था, पर तुम्हारा मुंह यहाँ पर क्यों लटका है 80 साल के बूढ़े के हथियार की तरह, तो मेरे साथ चलो, हम लोग चलते चलते बात करेंगे। और ये लोग निकल जाते हैं बीच की साइड। और दूसरी तरफ निक्की और साहू भी बीच की तरफ जा रहे होते हैं। अब दोनों ही सेम कैटेगरी के थे, यानी कि दोनों के अंदर का ही जानवर एक्सट्रीम लेवल का अक्कुम बक्कुम चाहता है, और ये दोनों से ही अब कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। अब निक्की को जो चाहिए था वो उसको मिल रहा था, और साहू को जो चाहिए था वो उसको मिल रहा था, और ये दोनों यहाँ पर तबाह कर दम से अक्कुम अक्कुम करते हैं कि तभी यहाँ पर पल्लवी और अभय आ जाते हैं। और जैसे ही ये सीन ये दोनों ही देखते हैं, इन दोनों का ही दिल टूट जाता है और ये दोनों ही रोते हुए अपने होटल की तरफ चले जाते हैं। अब पल्लवी को बहुत दुख था, पर उससे 10 गुना ज्यादा दुख अभय को था क्योंकि वो निक्की से बहुत ही ज्यादा एकदम फुका हुआ प्यार करता था, पर निक्की ने उसको दिया धोखा और किसी और को दिया अक्कुम बक्कुम करने का बेहतरीन मौका। अब जब जो हमारे साहू और निक्की थे थक हार के जब अपने रूम में आते हैं, तब वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर उनके पार्टनर्स नहीं होते, पर उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो दोनों इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, मूड ऑफ करके रखते थे, 24 घंटा बस बकवास किया करते थे, जो इनको चाहिए था वो मिलता ही नहीं था अपने पार्टनर से। तब ये दोनों ही साथ में रहने लगते हैं, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही थी। जो हमारे निक्की है वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली लड़की थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट, नकचिड़ी, सर चढ़ी, अपनी चलाती थी हर घड़ी, और यही क्रिएट कर रही थी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी। साहू को लगता है ये कैसी लड़की है यार, अपनी अपनी चला रही है। और जो दूसरी तरफ दिल टूटे आशिक यानी कि अभय और पल्लवी थे, वो एक दूसरे को ही दिलासा दे रहे थे कि हमारे पार्टनर है हरामी, हम क्या कर सकते हैं, हमको उनसे अलग हो जाना चाहिए और हमको अपने बारे में सोचना चाहिए, वो लोग अपनी चाह मताएं। पल्लवी अभय को समझा रही होती है ठीक तरीके से, क्योंकि जो अभय था ना वो फुका हुआ प्यार करता था निक्की से। अब ऐसे ही सीढ़ियों के पास निक्की और साहू लगे होते हैं दम से एक दूसरे को मुंह से प्यार देने, कि तभी यहाँ पर ऊपर से उतरते हैं अभय और पल्लवी, और अब तो ये दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं एकदम सामने सामने। पर ये लोग फिर भी झूठ बोलते हैं कि हम लोगों के बीच कुछ नहीं हो रहा था, हम लोग सिर्फ ऐसे खड़े थे क्लोज होकर। तो पल्लवी कहती है अच्छा जी, बीच में भी बड़ा क्लोज हो रहे थे, एक दूसरे में घुसे पड़े थे, यानी कि अब ये लोग कुछ भी नहीं झूठ बोल सकते। अब यहाँ पर हो ऐसा रहा था कि जो निक्की और साहू हैं वो दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे, और पल्लवी और अभय वो दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे। तो साहू यहाँ पर कहता है कि देखो, हमको जो पसंद आ रहा है हम करेंगे, तुमको जो पसंद आ रहा है तुम लोग करो, भाड़ में जाओ। और इतना बोलकर साहू कहता है कि मैं और निक्की रूम में जा रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों तम से धूम मचा रहे हैं। और दूसरी तरफ अभय और पल्लवी बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, खास तौर की चोमू अभय। अब चोमू मैं नहीं कहना चाहता, पर ये है चोमू भाई, जो लड़की तेरे को चीट कर रही है, तू क्यों उसके पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा है, क्यों उसके लिए पागल है, भाड़ में जान दे उसकी ऐसी 100 आएंगी, तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और मेंटली स्ट्रेस ले रहा है, यही बात अभय को समझाती है पल्लवी। अब इतने अच्छे मेंटली सपोर्ट के बाद अभय कैसे नहीं गिरेगा पल्लवी के प्यार में, वो धीरे धीरे करके पल्लवी के प्यार में गिरने लगता है। और पल्लवी को भी अभय पसंद था, अभय काफी समझदार था, वो अच्छी अच्छी प्यार की बातें किया करता था, बस अक्कुम बक्कुम के मामले में थोड़ा लो था, पर पल्लवी को उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पल्लवी थी सुशील संस्कारी वाले माइंडसेट वाली। और अभी दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमारे निक्की और साहू लोग बीच में वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं कि तभी साहू क्या नोटिस करता है कि जो निक्की है वो ऐसी किसी भी लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रही है, पर साहू की ये देखकर जल के ज्वालामुखी हो जाती है और वो यहाँ पर निक्की पर गुस्सा हो जाता है कि तेरी बहन की चय हो, मैं चाहता हूँ कि तेरा ध्यान बस मेरे पे हो, ये क्या हरकतें कर रही है दूसरी लड़कों के साथ। पर निक्की पल्लवी तो थी नहीं कि साहू की सारी बातें सुन ले, वो क्या बोल रहा है, क्या गाली वाली बक रहा है, पर निक्की ना पल्लवी नहीं थी। वो यहाँ पर साहू का बेहतरीन तरीके से उतारा करती है कि तेरी ऐसी की तैसी, तू होता कौन है मुझको बताने वाला, तू ना अपनी चा मुदा, मुझसे बात मत कर। और साहू कहता है कि तेरी ऐसी गंदी लड़कियों के मैं मुंह नहीं लगता, चल निकल यहाँ से। अब इन दोनों को एक दूसरे पे काफी गुस्सा आ रही थी और ये लोग निकल जाते हैं अपने अपने रूम की तरफ। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे अभय भाई साहब थे और पल्लवी मैडम जी थे, इन दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। और हम सभी को मालूम कि जब नजदीकियां बढ़ जाती हैं तो ये नजदीकियां
अक्कुम बक्कुम में बदल जाती हैं। अब ये दोनों ही नहीं लेते कोई भी अंदर के जानवर को जगाने वाली गोली और ऐसे टूट कर एक दूसरे से प्यार करते हैं कि जैसे रब ने बना दी जोड़ी। अब अपने अपने रूम के पास आकर साहू और निक्की अपने गेट पर नॉक करते हैं। अब जैसे ही साहू के कमरे का दरवाजा खुलता है, इस कमरे से निकलते हैं पल्लवी और अभय, जो कि बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में थे क्योंकि अब आ गया था उनका समय। और अभय साहू और निक्की को दिखाता है बीच की उंगली, यानी कि जो हम लोग पहले समझ रहे थे कि कटा दरअसल अभय और पल्लवी का है, पर नहीं, अब हमको रियलाइज हो रहा है कि असल मायनों में कटा है साहू और निक्की का। अब अभय और पल्लवी पड़ चुके थे एक दूसरे के ही प्यार में बहुत ही ज्यादा डीपली, पर जिस खुशी की तलाश में निक्की और साहू यहाँ पर आए थे उनको वो खुशी नहीं मिली और अपनी गलतियों की वजह से अपनी ही रिलेशनशिप के बड़े वाले एल लगा लिए। अब साहू और निक्की दोनों ही अकेले हैं और देवदास की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, पर उसके जस्ट अपोजिट अभय और पल्लवी कर रहे हैं भर भर के रोमांस। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि अपने पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करें। ये मत सोचे कि सामने वाला ऐसा है तो तुम्हारा पार्टनर भी वैसा होगा। और अक्कुम बक्कुम करने में कोई बुराई नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी रिलेशनशिप में, पर फिजिकल के साथ मेंटली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। और तुमको क्या लगता है कि साहू और निक्की गलत थे या फिर पल्लवी और अभय की भी कुछ गलतियां थी? कमेंट में अपनी राय खुलकर बताना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तुम्हारे लेफ्ट और राइट में ऐसी ही बेहतरीन सी कहानी आ रही है जिनको अगर तुमने देख लिया तुम लोग बिना कमेंट करे नहीं रह पाओगे। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली रील्स, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। बस।